देश के एक आईपीएस अफसर नूं टिप्पणी करनी पई महंगी। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस शाखा ते कीती एक अजिही टिप्पणी कि जिस ते मचिया बवाल। बिहार की राजधानी पटना दे विच पीएफआई ते मारिया सी पुलिस ने छापा तो उस तो बाद पै गया एक नवा स्यापा। एबीसी पंजाब वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ संदीप लादूका। मामला जुड़िया है बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ का, जिथे पुलिस के वलों छापा मारिया गया तो एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों जिसने मीडिया के नाल गलबात करदिया जो जानकारी सांझी की कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो काम की करता है, इस संस्था आतंकवादियों नू ट्रेनिंग देन दा काम करती है, यानी कि अतवादियों नू ट्रेनिंग देन दे लई किवें शरीरक तौर दे उत्ते ट्रेनिंग दित्ती जांदी है, किसी भी तरह की अतवादी कार्रवाई नू अंजाम देन दे लई की पैंतड़े वरतने ने। यह पुलिस अफसर ने जो खुलासा किया तो उस दे नाल ही यह भी कह दिता कि पीएफआई आरएसएस की शाखा दे वांग काम करती है, उस तरह इस दे विच भी ट्रेनिंग दिती जाती है, जिस तो बाद काफ़ी सियासत भी गरमा जाती है। तो भाजपा ने पटना दे अंदर बिहार दे अंदर प्रदर्शन भी किए तो जोरदार शब्दों के निखेधी की कि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों नू जां तां अपनी सीट तो अस्तीफा दे देना चाहिए, जेकर नौकरी नहीं करनी अजिहे बयान देने ने विवादत तो फिर सियासत दे विच आ जाना चाहिए, फिर सियासत दे विच अजिहे बयानां दे नाल असीं उस नूं टकरांगे। तो इस तरह दीआं गल्लां भाजपा दे वल्लों कीतियां जा रहियां ने, पर उस तो पहलां जदों पुलिस ने कार्रवाई कीती तो उस तो बाद जो बयान दिता एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने, उन्होंने आरएसएस ते अजिही कि टिप्पणी की वो सुनदे हां एसएसपी दी जुबानी। अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है, जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है आरएसएस, सबकी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने शब्द उन्होंने जुबानी सुने ने कि एसएसपी आईपीएस अफसर किस तरीके दे नाल जिहड़ी संस्था दे उत्ते छापा मारदा जिथे शक हुंदा है कि अतवादी बनन की ट्रेनिंग दिती जा रही है, उस तरीके दे नाल जदों ओ प्रेस नूं संबोधन कर रहे हुंदे ने तां एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों दे मूहों यह भी निकलदा है कि ठीक उस तरह ट्रेनिंग दिती जाती है जिवें आरएसएस की शाखा दिंदी है, लाठियां डांगा चलाउण की ट्रेनिंग दिती जाती है। इस तरह के शब्द जदों वरते गए तो उस तो बाद जदों ये जनतक हुंदियां ने गल्लां तां बवाल मच जांदा है, सियासत गरमा जांदी है, खास करके भाजपा दे वल्लों जोरदार शब्दां दे विच मंग कीती जा रही है कि इस एसएसपी नूं आईपीएस अफसर नूं अस्तीफा देना चाहिए, और जे इन्ना ही शौक है अजिहे बयान देण दा तां फिर सियासत दे विच आ जाना चाहिए, आईपीएस की नौकरी छड्ड देनी चाहिए है। तो इस तरह का विवाद है जिहड़ा बिहार के अंदर पैदा हो जाता है, तो एक एसएसपी का दिता बयान किवें सियासत दे विच सरगर्मी फड़ जांदा है, जोर फड़ जांदा है। एसएसपी दे दित्ते इस बयान दे नाल जो कुछ भी अगे वापरिया, प्रतिक्रियावां आईयां, इस बारे तुसीं अपनी राय भी रख सकदे हो और कमेंट बॉक्स दे विच दस सकदे हो कि इस बारे तुसीं की सोचदे हो। फिलहाल इस रिपोर्ट विच इन्ना ही, मैनूं दिओ आग्या, धन्नवाद।